अब देखो मुझे पता है कि भैया कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी ऐसे ही हेडशॉट मारने की चाहत है, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी नई ट्रिक बताने वाला हूँ ना जो कि तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि अगर देखो सब वन टैप मारने लग जाएंगे ना तो हमारे तो फिर एल लग जाएंगे। तो चलो देखो मैं तुम्हें इसी वन टैप की सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। चलो भाई देखो अपने क्या करना है। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें अपने फोन की सेटिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो जो हमारी सबसे पहली सेटिंग है ना वो है तुम्हारी पॉइंटर स्पीड। अब देखो ये जो चीज है जो तुम्हें भैया कीबोर्ड में मिल जाएगी, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड में जाना है, उधर होगा तुम्हारा पॉइंटर स्पीड। तो ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारी जीरो रहती है, लेकिन तुम्हें इसको 100 कर लेना है। देखो जो हमारी दूसरी नंबर की सेटिंग है वो है तुम्हारी टच एंड होल्ड रिले। तो ये तुम्हें भैया कुछ नहीं एक्सेसिबिलिटी में जाना है, उधर पे ये तुम्हें मिल जाएगा टच एंड होल्ड रिले के नाम से, तो वो तुम्हारी बाय डिफॉल्ट मीडियम रहती है, तो तुम्हें इसको एकदम शॉर्ट कर लेना है। तो ये सब सेटिंग के बेनिफिट अब मैं तुम्हें बताऊंगा वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूँ ना कि डेजर्ट ईगल के वन टैप सीखना हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल तुम्हें भैया कोई भी वन टैप का चैलेंज दे सकता है, और अगर तुम क्लैश स्क्वाड के मैचेस ज्यादा खेलते हो तो उस सिचुएशन में भी ये तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि देखो अगर तुम्हें डेजर्ट ईगल गन चलानी आती है तो तुम क्लैश स्क्वाड में इजीली बोया भी निकाल सकते हो। तो देखो जो हमारी सबसे पहली टिप्स आ जाती है ना वो है तुम्हारी देखो डायरेक्ट ड्रैग और रोटेशन ड्रैग के बीच का फर्क पता होना, क्योंकि देखो मुझे पता है तुम हर जगह वन टैप लगाने के लिए तुम सिर्फ एक ही ड्रैग का यूज करते हो, वो है तुम्हारा डायरेक्ट ड्रैग। अब देखो अगर मैं देखो डायरेक्ट ड्रैग की बात करूँ ना तो तुम डायरेक्ट ड्रैग से हेड तुम तभी मार सकते हो जब तुम्हारा एनिमी या तो स्टिल खड़ा हो या फिर तुम्हारे ऊपर रस कर रहा हो। तो देखो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, देखो मेरे सामने जो एनिमी है वो एकदम स्टिल खड़ा है, ठीक है, तो यानी कि वो फायर कर रहा है। तो इधर पे इस सिचुएशन में देखो मैं क्या करूंगा, इस सिचुएशन में मैं सिंपली डायरेक्ट ड्रैग यूज करके उसको इजिली हेड मार दूं। तो देखो समझ गए ना, अगर तुम्हारा एनिमी जो है स्टिल खड़ा है या फिर किसी के ऊपर फायर कर रहा है तो उस सिचुएशन में तुम डायरेक्ट ड्रैग यूज करके उसको इजीली हेडशॉट मार सकते हो। लेकिन अब वहीं पर बात कर लेते हैं रोटेशन ड्रैग की, हम लोग देखो रोटेशन ड्रैग का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें रोटेशन ड्रैग के बेनिफिट के बारे में बताऊं ना, तो अगर तुम एक बार रोटेशन ड्रैग सीख गए ना तो तुम भैया किसी भी टाइप के प्लेयर को इजीली वन टैप मार सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एनिमी एकदम रनिंग में है या फिर तुम्हारे एकदम क्लोज में है। देखो अगर हम किसी भी अच्छे प्लेयर की बात करें ना तो वो हमेशा देखो वन टैप के लिए ना रोटेशन ड्रैग का ही यूज करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि देखो हमें रोटेशन ड्रैग का कैसे यूज करना है। तो अगर देखो तुम रोटेशन ड्रैग का एकदम परफेक्ट तरीके से यूज करना चाहते हो ना तो तुम्हें इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगर तुम्हारा एनिमी जो है जो लेफ्ट साइड भाग रहा है तो तुम्हें अपनी सिंपली फायर बटन को एकदम लेफ्ट साइड से ड्रैग करना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि तुम इस क्लिप में देख सकते हो जो मेरे सामने एनिमी है वो देखो लेफ्ट साइड भाग रहा है, तो देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरे फायर बटन को ध्यान से देखना, मैं सिंपली अपने फायर बटन को लेफ्ट साइड ड्रैग करूंगा, जिससे कि क्या होगा कि जिस साइड वो भाग रहा है लेफ्ट साइड भाग रहा है तो मैं अपनी सिंपली फायर बटन को लेफ्ट साइड ड्रैग करूंगा तो उसको इजीली हेडशॉट लग जाएगा। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं अगर मैं इधर डायरेक्ट ड्रैग का यूज करता तो उसको हेडशॉट कभी नहीं लगता। तो तुम्हें देखो रोटेशन ड्रैग में ये हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारा एनिमी देखो लेफ्ट साइड भाग रहा है तो तुम्हें अपने फायर बटन को लेफ्ट साइड ड्रैग करना है, और अगर तुम्हारा एनिमी राइट साइड भाग रहा है तो तुम्हें अपने फायर बटन को राइट साइड ड्रैग करना है। अब देखो बन टैप मारते समय ना बहुत से लोग ये वाली गलती कर देते हैं कि देखो जब भी वो बन टैप मारने का ट्राई करते हैं ना तो जो उनका मूविंग बटन होता है वो उसको भी कंटिन्यू फायर करते रहते हैं, जिससे कि होता क्या है कि जब भी वो बन टैप मारते हैं तो उनकी गोली जो है वो रिकॉइल कर जाती है, जिससे कि उसका बन टैप नहीं लगता। या फिर यहीं पर बात करते हैं कि कुछ लोग देखो डेजर्ट ईगल को एकदम कंटिन्यू फायर के साथ चलाते हैं, जिससे कि होता क्या कि वो क्या करते हैं कि जब तक कंटिन्यू फायर करते रहते हैं जब तक कि उनका गोली खत्म नहीं हो जाता। अब देखो इससे तुम्हें क्या घाटा होता है, सबसे पहली बात तो जब भी तुम किसी भी गन को कंटिन्यू फायर करते हो तो जो तुम्हारा एम होता है वो एकदम बिगड़ जाता है और कभी भी उसको हेड नहीं लगता है, और ऊपर से जो तुम्हारा गोली होती है वो एकदम रिकॉइल कर जाती है। तो जब भी तुम देखो डेजर्ट ईगल गन चलाओ या फिर वन टैप का ट्राई करो तो तुम्हें वन टैप मारना है, ना कि तुम्हें कंटिन्यू फायर करना है। तो अगर देखो मैं सीधी सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो तुम्हें मूवमेंट बटन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है अगर तुम वन टैप मारना चाहते हो। तो देखो हमेशा फायर करने के बाद तुम ग्लू का यूज कर सकते हो या फिर तुम रन बटन का भी यूज कर सकते हो। अगर तुम देखो वन टैप मारते के समय ना ये दो चीजें याद रखोगे ना तो तुम्हारी डेजर्ट ईगल कभी भी रिकॉइल नहीं करेगी। बात करते हैं जो हमारा एम है उसकी लोकेशन हमको क्या रखनी, क्योंकि देखो वन टैप मारने के लिए ना हमारा एम कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर देखो तुम्हारा एम परफेक्ट नहीं होगा ना तो तुम्हारा वन टैप भी परफेक्ट कभी नहीं लगेगा। तो देखो अगर तुम्हारा एनिमी तुमसे दूर है तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जो तुम्हारा एम होगा वो तुम्हें उसके बॉडी पर लेके जाना पड़ेगा और उस एम को तुम्हें उसके ऊपर रेड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो तुम अपने एम को इस सिचुएशन में हाइट रखोगे ना तो ज्यादा दूरी होने के कारण जो तुम्हारा एम होगा वो उसके बॉडी पर कनेक्ट हो गए नहीं, मतलब तुम्हारा एम ऑटोमेटिक हवा में ही फायर हो जाएगा। तो अब समझ गए ना, अगर तुम्हारा देखो एनिमी तुमसे दूर है तो सबसे पहले तो तुम अपने एम को उसके बॉडी पर जाके रेड करो और देन फिर उसके बाद फायर करो, जिससे कि तुम्हारा इजीली वन टैप लग जाएगा। अब बात करते हैं कि देखो जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना वो क्लोज रेंज में क्या चीज अप्लाई करते हैं अपने गेम प्ले में, जिससे कि उनका क्लोज रेंज में भी वन टैप लग जाता है। तो देखो अगर तुम किसी से भी वन वी वन करते हो ना तो सिंपली सी बात है कि भैया जो तुम्हारी फाइट होगी वो एकदम क्लोज रेंज में ही होगी। तो देखो जो सबसे पहली टिप्स है ना वो ये है कि अगर तुम्हारा एनिमी एकदम क्लोज रेंज में आ जाता है ना तो तुम्हें अपने एम को उसके ऊपर एकदम रेड नहीं होने देना है, अपने एम को व्हाइट रखो लेकिन अपने एनिमी के आसपास रखो। क्योंकि अगर देखो अगर तुम्हारा एम एक बार उसके ऊपर रेड हो गया ना क्लोज रेंज में तो फिर तुम्हारा वन टैप नहीं लगेगा, वो देखो बॉडी पर ही लगेगा। क्योंकि देखो जो डेजर्ट ईगल का एम होता है ना वो बहुत जल्दी लॉक हो जाता है
है बॉडी पर, तो ट्राई करो कि क्लोज रेंज में जो अपना एम है उसको लॉक मत होने दो। और जो तुम्हारा फायर बटन है ना उसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ड्रैग करो अगर एनिमी तुम्हारे एकदम क्लोज रेंज में है। देखो अगर तुम किसी को भी वन टैप मारना चाहते हो ना तो इसमें तुम्हारा फायर बटन साइज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। देखो अगर मैं अपने फायर बटन साइज की बात करूँ ना तो जो मेरा वाला फायर बटन साइज है ये मेरा हमेशा 45 से 50 के बीच में रहता है जो कि कहीं ना कहीं परफेक्ट है। और जरा तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा फायर बटन साइज कितना है। देखो जो ड्रैग वाला फायर बटन साइज होता है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है वन टैप के लिए, क्योंकि देखो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि जितना ज्यादा तुम्हारा फायर बटन साइज बड़ा होगा तुम्हारे पास उतना ही कम स्पेस बचेगा उसको ड्रैग करने के लिए। अच्छा चलो तुम मुझे एक बात बताओ, पीसी प्लेयर हमेशा अपने फायर बटन का साइज को इतना छोटा क्यों रखते हैं? चलो कुछ तो लॉजिक होगा ना। समझ रहे हो आप? तो अगर देखो तुम मेरी बात मानो ना तो एक बार 50 के अंदर फायर बटन साइज को रख के खेलो, बस एक दो घंटे खेलो तुम्हें खुद फर्क पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई अच्छा प्लेयर आ जाता है जो डिजर्ट के हेडशॉट मारना जानता हो तो उस सिचुएशन में तुम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो कि देखो तुम्हें पीक करके तो उसको मारना नहीं है क्योंकि वो अपना एम तुम्हारे ऊपर ही रखेगा, जैसे ही तुम पीक करके मारोगे वैसे ही वो तुम्हें वन टैप इजीली मार सकता है। देखो जो तुम्हें मैं ये ट्रिक बताता हूँ ना ये देखो तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हारे सामने कोई अच्छा प्लेयर हो या फिर वो तुम्हारे ऊपर पीक लेके बैठा हो तो देखो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तो तुम्हें उसके सामने कुछ नहीं करना है, उसके सामने जाकर तुम एकदम बैठ जाना है और वो जैसे ही देन तुम्हारे ऊपर फायर करेगा तो वो पता है क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि तुम खड़े हो लेकिन तुम बैठे हो, तो वो खड़े होने के हिसाब से डायरेक्ट ड्रैग करेगा तो जिससे कि होगा क्या कि उसका हेड तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि तुम बैठे होगे। और तुम जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर फायर करेगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सीधा उसके बॉडी पर ले जाके एम को पहले रेड कर देना है और सीधा सिंपली डायरेक्ट ड्रैग का यूज करके उसको इजीली आप उसको हेड मार सकते हो। और अगर चलो तुम्हारा बैठ के हेड नहीं लगता है तो ये भी गारंटी है कि उसका भी हेड नहीं लगेगा क्योंकि तुम बैठे होगे। तो ये तुम एक बार जरूर ट्राई करके बताना कमेंट में कि तुम्हारे इससे हेड लगे या नहीं। जो देखो ये वाली टिप्स है ना ये वाली टिप्स तुम्हें बन बी बन कस्टम में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अब देखो अगर तुम भैया डिजर्ट से बन टैप खेलते हो ना तो देखो तुम्हें डिजर्ट से बन टैप के मारने के बाद तुम्हें तुरंत का तुरंत एक गोली मारने के बाद तुम्हें ग्लू लगा लेनी है। तुम्हें दो फायदा होंगे, सबसे पहले तो कि तुम सामने वाले एनिमी से इजीली बच सकते हो और जो सेकंड नंबर वाला फायदा वो ये है कि तुम्हारी जो कहीं ना कहीं बन टैप प्लस ग्लू की स्पीड होगी ना वो तुम्हारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब भी तुम फायर करो ना तो हमेशा ट्राई करो कि जो तुम्हारा एनिमी हो वो तुम्हारे ऊपर राइट साइड से रस करे। देखो जैसे ही वो ग्लू बॉल से राइट साइड से निकले ना तो तुम इजीली उसका सर फोड़ दो। और अगर देखो तुम बन टैप मारने की ट्राई करते हो ना तो तुमने एक बात बहुत सी नोटिस होगी कि देखो जब भी तुम बन टैप मारने की ट्राई करते हो ना तो तुम्हें एक सेकंड का वक्त मिलता है अपने एम को एकदम ठीक करने के लिए, तो बस तुम्हें उसी एक सेकंड का यूज तो करना है अपने एम को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए। देखो अगर तुम एक बार अपने एम को कनेक्ट करना सीख गए ना बंदे के ऊपर तो तुम इजीली बन टैप भी आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए देखो आज की वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई। और देखो अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा ही पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने उस एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जो बन टैप सीखना चाहता हो। खत्म।